ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी, वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और ये मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही। और आप इस प्रकार के देश की कल्पना ममता दीदी आप चाहती हैं जहां एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में ना आ जाए, इस प्रकार का देश चाहते हैं? इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी दीदी, आप कितना भी हो हल्ला करो। बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे।